मकई की ये तो भाई हुई खड़ी है। जो भी इसके जो है ना पौधे वगैरह वो ये देखें धंसे पड़े हैं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्री फार्म्स ऑफिशियल। मकई की तबाही हो गई है जी, आंधी और बारिश की वजह से जो है मकई का काफ़ी नुकसान हुआ है। वैसे तो लेट काश्त है, इसकी थोड़ी सी बचत हो गई है। दूसरी साइड पे जो है काफ़ी नुकसान हुआ है मकई का, उधर इससे माशाल्लाह अच्छी खड़ी थी रंग में भी और कद में भी, इसके साथ ही वैसे काश्त की थी वो भी। इसमें भी इधर से बाहर जो है बाहर से वो नज़र नहीं आ रही कि गिरी हुई है, लेकिन अंदर से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी जो है वो गिरी हुई है। ये देखें यहाँ से अगर आप देख सकें, ये देखें। और इधर वाली साइड तो फिर भी बच गई है, बाकी दूसरी साइडों से जो है तेज़ हवा की वजह से जो जितने भी इसके मकई के पौधे हैं वो इस तरह बिल्कुल टेढ़े से हो गए हैं। अब उम्मीद है कि खड़े हो जाएंगे। दो तीन दिन हो गए हैं वैसे जब आंधी आई थी, ये वाली तो कुछ बेहतर हो गई है। दूसरी भी मैं आपको जो है मज़ीद दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ से भी गिरी हुई है आगे, ये देखें। बाकी चलते हैं मज़ीद अगली वाली दूसरी साइड पर, वहाँ जा कर आपको अगले सीन्स दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये ज़रा ऊपर से सीन है, मैं आपको जो है नज़दीक जा कर मज़ीद दिखाता हूँ कि मकई के क्या हालात हैं। जी मकई की ये तबाही हुई खड़ी है, जो भी इसके जो है ना पौधे वगैरह वो ये देखें धंसे पड़े हैं, ये देखें, ये देखें, काफ़ी नुकसान हो चुका है मकई का। बाकी उधर वाले भी वो भी काफ़ी गिर गई है, वो उसका भी यही हाल है जो इसका हालात हैं। काफ़ी इसका कद कर गई थी अभी कुछ दिनों में ही, लेकिन तो आंधी ने जो है इसका काम कर दिया है। अब बाकी अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद तो है क्योंकि अभी पौधा छोटा है, यानी कि अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, बुर वगैरह कुछ नहीं आया, उस हिसाब से छोटा ही है, तो उम्मीद है कि जो है उठ जाएगी। क्योंकि ये देखेंगे, ये देखें क्या हालात हैं। अब इतना खर्चा हो रहा है मकई के ऊपर, ऊपर से कुदरती आफात हैं, ठीक है, ऊपर से अब गवर्नमेंट भी नए टैक्स लागू कर रही है, तो ज़िम्मेदार कैसे सरवाइव करे अब, ये देखें हालात की, ज़िम्मेदार अब क्या करे आगे इससे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ रहें, अल्लाह हाफिज़।